पिछले दिनों मैं एक किताब पढ़ रहा था, किताब का नाम देख लें आप, अल कुरान द अल्टीमेट मिरेकल। इस किताब का मुसन्निफ शेख दीदात। इसमें वो लिखते हैं कि अमेरिका के कुछ साइंटिस्टों ने एक बड़ा पावरफुल कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है क्रेवन सुपर कंप्यूटर। क्रेवन सुपर कंप्यूटर, इसकी खासियत यह है कि अगर आपको किसी चीज को जांचना हो तो इसमें डाल दीजिए, एक सेकंड में 8 करोड़ जाविये से जांच के देगा। एक सेकंड में 8 करोड़ जाविये से, तरीकों से जांच के देगा। ये इतना पावरफुल सुपर कंप्यूटर इन 1975 कॉल क्रेवन सुपर कंप्यूटर इन अमेरिकन साइंटिस्ट। तो डॉक्टर दीदार कहते हैं कि कंप्यूटर के सारे कंफर्मेशन को कंसीड करके, इंफॉर्मेशन को कंसीड करके, रुस्तम भाई इसके चिप में डाला गया। कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके इसके चिप में डाला गया और कंप्यूटर से पूछा गया। क्या पूछा गया सुनिए, पूछा गया कि क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह किताब लिख सकते हैं। अल्लाह अल्लाह, हाय अल्लाह के बोलिए, वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। लिख सकते हैं दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह किताब। Was given by the computer. You cannot write like the Quran. Insisted 3 octillion years. Impossible to create even Quran. तो कंप्यूटर ने कहा कि अगर 5000 साल भी बैठकर दुनिया के सारे लोग जी तोड़ कोशिश करें तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा कारी रूहुल अमीन साहब किबला जबलपुरी। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, इम्पॉसिबल टू क्रिएट इवन कुरान। 5000 साल भी बैठकर पूरी दुनिया के लोग जी तोड़ कोशिश करें तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। जो लोग कहते हैं कि हम कुरान की तरह लिख लूंगा, उनसे मैं कहता हूं कि बेटा तुम्हें पहले 5000 साल जिंदा रहना पड़ेगा। हाय हाय हाय, 5000 साल जिंदा रहना पड़ेगा। आज की दुनिया में 60 साल जिंदा रहना मुश्किल है, 5000 साल कौन जिंदा रह सकता है। ये कंप्यूटर आज कह रहा है, लेकिन बट मोर देन 1400 years ago, टेक द प्रिमिटिव बुक माय कुरान टोल्ड अस कुल इन इज्तमअत अल इंस वल जिन अला अन यातू बिमिथल हादा अल कुरान। वाह वाह, हो जाए जमा हो जाए सारे इंसान, इज्तमअत जमा हो जाए सारे जिन, और वो सब मिलकर कोशिश करें कुरान के मानित ले आए, वो हरगिज नहीं ला सकेंगे। चाहे एक दूसरे के ये वो मददगार क्यों ना हो जाए, वो ये काम हरगिज नहीं कर सकते। हैरत की बात है, कुरान ने 1400 साल पहले चैलेंज दिया, आज भी है, कयामत तक रहे। हाय 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 हाय, वाह वाह, सिर्फ एक आदमी को, सिर्फ एक आदमी को कुरान ने चैलेंज नहीं किया, इज्तमा सब आ जाओ। और एक चीज बताना चाहता हूँ, ये मदरसे का जलसा है, अगर कुरान को अल्लाह एक ही लुगत पे नाजिल करता ना तो दूसरे लुगत वाले कहते अल्लामा मरगूफ साहब, अरे हमरे लुगत में होता तो हम किताब ले आते ले आते ले आते ले आते ले आते। अब बुखारी मुस्लिम कि ये जो हदीस है कुरान के बारे में वो कि अल्लाह ताला ने क्या है, उनजिला अला सबअति हरूफ, इन हाजल कुरान उनजिला अला सबअति हरूफ, अल्लाह ने कुरान पाक को 7 डिक्शनरी पे नाजिल किया। अरे जिसको जिस डिक्शनरी में जवाब लाना हो, हाय 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 हाय, वाह 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 वाह,
वाह 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 वाह। जिस डिक्शनरी में जवाब लाना हो लाओ। कल भी दुनिया कुरान के सामने गूंगी थी, आज भी गूंगी है। कल भी दुनिया कुरान के सामने बौनी थी, आज भी बौनी है। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैजाने कुरान, हजरत अल्लामा कारी रूहुल अमीन साहब किबला जबलपुरी। कुरान पाक नाजिल होने से पहले मदरसे के जलसे में आने वालों, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में तीन किताबें तौरा ज़बूर इंजील और सौ सहीफे मौजूद हैं। What is the need of the Holy Quran? Tell me, please tell me. What is the need of the Holy Quran? Quran की क्या ज़रूरत थी? तो मालूम हुआ, उनमें वो बातें नहीं थी जो निज़ामे कायनात कुरान लेकर। वाह 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 वाह। निज़ामे कायनात कुरान लेकर के आया, उनमें बातें नहीं थी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले दुनिया में जितने अंबिया किराम तशरीफ लाए, या तो किसी किताब को लेकर जलवागर हुए, या किसी किताब की पैरवी कराने के लिए जलवागर हुए। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हमने देखा, हर जमाने में अंबिया किराम मौजूद रहे, लेकिन हमने उनके साथ साथ ये भी देखा, अंबिया किराम के मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें एक सदी के अंदर अंदर ही चेंज, न जिंदगियां महफूज रही, न किताबें महफूज रही, न उनका पैगाम महफूज रहा। द क्वेश्चन राइज़ दैट About this situation, सवाल पैदा होता है, अल्लाह ताला ने किताबें नाजिल फरमाई तो बंदों ने कैसे बदल दिया? तो ए चकफत हबीबुल्लाह वालो सुनो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू से, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मशीयत इलाही के इल्मे पाक में ये बात थी, हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यहिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दाऊद इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत सुलेमान इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दानियल इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत शुएब इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा आखिरी नबी नहीं है, हजरत ईसा आखिरी नबी नहीं है, जनाब दाऊद आखिरी नबी नहीं है, जनाब सुलेमान आखिरी नबी नहीं है। बदलने तो दुनिया वालों को किताबें, अगर एक किताब बदली गई दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा, अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया दूसरा पैगंबर जलवागर होगा, मगर जब रब्बे कायनात ने अपने आखिरी नबी को मबूस करने का फैसला कर लिया और उन्हें खातमुन नबीयीन बना के भेजा, तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ए महबूब आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी। वाह 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 वाह। हाय हाय हाय। बोलो बोलो बोलो, किधर देख रहे हो, लहक के बोलो। हाय हाय हाय। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए महबूब आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी। क्यों नहीं बदली जाएगी? इसलिए इन्ना नहनु नज़ल ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून। हाय हाय। इन्ना नहनु नज़ल ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून। इन्ना हमने, नहनो यकीनन हमने, नज़ल्ला हमने, वो इन्ना हमने, हा 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 हमने ही। हाय 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 हाय। वाह वाह वाह। हमने ही कुरान पाक को नाजिल किया और हम ही हिफाजत करने वाले हैं। और लहाफिजून का किनाया बोल रहा है कि हिफाजत हाफिजों के जरिया। हाय 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 हाय। हाफिजों के जरिया। हाय हाय हाय। गौर किया आपने कभी? गौर किया, इंजील लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, ज़बूर लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, बुक ऑफ अज़ाया तख्तियों पे, गज़लुल गज़लात तख्तियों पे, बुक ऑफ जानिल तख्तियों पे, मल्लाकी तख्तियों पे, यरमा तख्तियों पे, जन्नत तख्तियों पे, अविस्ता तख्तियों पे, लेकिन खुदा की कसम कुरान पाक रोजे अव्वल ही से दिनों पे लिखा जा रहा है। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तारे हुफाज़े किराम, फैजाने कुरान, फैजाने कुरान। वाह। कुरान पाक
रोजे अव्वल ही से दिलों पे लिखा जा रहा है। अरे तख्तियों को तोड़ा जा सकता है, जलाया जा सकता है, बहाया जा सकता है, मगर दिलों पे जो कुरान लक्ष्य है उसे कैसे मिटाओगे? सुन लो फ्रांस वालों, सुन लो इजराइल वालों, सुन लो सूडान वालों, तुम कुरान मुकद्दस के साथ गुस्ताखियां ज्यादती कर रहे हो। सुनो, कुरान को मिटाना चाहते हो। रूहुल अमीन चक हबीबुल्लाह से ये कह रहा है। सारे लोग खड़े होकर एंड में इस जुमले का इस्तकबाल करेंगे, इस सेंटेंस का, इस लाइन का, इस प्रोसेस का। वो क्या है? सुनिए, मैं इस मदरसे के बच्चों के जानिब से ये कह रहा हूं कि सुनो दुनिया वालों, ईसाइयों की तमाम किताबें जमा करो, यहूदियों की तमाम किताबें जमा करो, बिरादरान वतन की तमाम किताबें जमा करो, जैनियों की तमाम किताबें जमा करो, चीनियों की तमाम किताबें जमा करो, बुद्धिस्टों की तमाम किताबें जमा करो, सिखों की तमाम किताबें जमा करो। जमा करने के बाद पुट ऑल इन द बुक एंड पुट इन द ओशन, समंदर में डाल दो, समंदर में डाल दो। एक साल के बाद बोला, ए तौरात आ, ए ज़बूर आ, ए इंजील आ, ए वेद आ, उपनिषद आ, मनुस्मृति आ, भगवत गीता आ, सीता गीता आ, गणेश गीता आ, अंगा आ, उपांग मौला, सिवित्र, धम्पत, दीनापत, सतापत, यतापत, जन्नत, अविष्टा, दसाकी, गाथा, यास्था, मता, मुर्कुस, लोका, योहन्ना, खुरूज, पैदाइश, हबकुक, मुकाशिफा, इस्तिस्ना, अहबार, गिनती, काफी करण, गुरु करण, दसम करण, लुन, शीचन, बेचन, बेचन, कोई किताब नहीं आएगी, बोला कुरान आ, मदरसे के बच्चे आ जाएंगे। नारे तकबीर, पूरा मजमा जरा खड़े होकर इस्तकबाल किया जाए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस, अजमते कुरान, अजमते कुरान, फैजाने कुरान, हुफाजे कुरान, हुफाजे कुरान, जश्ने दस्तारे हुफाजे करम, मदरसा हमदिया अशरफिया चक हबीबुल्ला शरीफ, हजरत अल्लामा डॉक्टर रुहुल अमीन जबलपुरी, हुजूर पीरे तरीकत अल्लामा इनामुल हक साहब किबला अशरफी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह माशाल्लाह, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, ऑल द बुक्स इन द वर्ल्ड एंड पुट ऑन द ओशन, समंदर में डाल दो, सबको बुलाओ, कोई किताब नहीं हिलेगी, बोलो एक कुरान आ, आपके मदरसे के बच्चे खड़े हो जाएंगे, इसलिए कि दुनिया की सारी किताबें, दुनिया की सारी किताबें, दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर। हाँ हाँ हाय 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 वाह 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 हाय 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 वाह 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 हाय 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 वाह 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 दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर है, सीने के अंदर है। सुभान अल्लाह, इसलिए दुनिया कुछ भी कर ले, कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है, आज तक लाजवाब रहेगा। और सुनिए, आप सुन लीजिए, दुनिया में आज कोई डॉक्टर बनता है? सुनो, ये मदरसे के बच्चे हैं यहाँ पर, दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है डॉक्टर, तो डॉक्टरियत की किताब लिखने वाला इंसान है। दुनिया में कोई इंजीनियर बनता है, किताब लिखने वाला इंसान है, प्रोफेसर बनता है, किताब लिखने वाला इंसान है। इफ सम बिकम्स अ डॉक्टर, द राइटर ऑफ डॉक्टर बुक इज अ मैन। इफ सम बिकम्स अ ओरेटर, द राइटर ऑफ ओरेटर बुक इज अ मैन। इफ सम बिकम्स अ स्पीकर, द राइटर ऑफ स्पीकर बुक इज अ मैन। इफ सम बिकम्स अ स्पीकर, द राइटर ऑफ स्पीकर बुक इज अ मैन। इफ सम बिकम्स अ आर्किटेक्चर, द राइटर ऑफ आर्किटेक्चर बुक इज अ मैन। इफ सम बिकम्स अ प्रोफेसर, द राइटर ऑफ प्रोफेसर बुक इज द मैन। If some becomes a chancellor, the writer of chancellor book is a man. If some becomes a B-pharma, the writer of B-pharma book is a man. If some becomes a informa, the writer of informa book is a man. If some becomes a M-tech, the writer of M-tech book is a man. If some becomes a B-tech, the writer of B-tech book is a man. If some becomes a MBBS, the writer of MBBS
दुनिया में कोई डॉक्टर बन रहा है, किताब लिखने वाला इंसान है, इंजीनियर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है, प्रोफेसर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है, ऑरेटर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है, मॉनिटर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है, ओरियर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है, आर्मी बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान है, IAS किताब लिखने वाला इंसान, IAS किताब लिखने वाला इंसान, नीट किताब लिखने वाला इंसान, PMT किताब लिखने वाला इंसान है। हाफिज जी जिस कुरान को पढ़ते हैं उसका नाजिल करने वाला रहमान है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, क्या बात हजरत, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब, रहमान है। आई वांट, आई चैलेंज द फादर ऑफ यहूद, आई चैलेंज द फादर ऑफ यहूद, मैं चैलेंज करता हूँ यहूदियों के फादर को, उनके सीने में ही हैज नो एंटायर इंजील, आई चैलेंज द फादर ऑफ सिक्स, ही हैज नो एंटायर आंगा, आई चैलेंज द फादर ऑफ ब्रदरान वतन, ही हैज नो एंटायर गीता, आई चैलेंज द फादर ऑफ जैनिस, ही हैज नो एंटायर धम्पत, आई चैलेंज द फादर ऑफ बुद्धिस्ट, ही हैज नो एंटायर दीनापत, मैं चैलेंज करता हूँ यहूदियों के पादरी को, पूरी इंजील उनके सीने में नहीं है, मैं चैलेंज करता हूँ यहूदियों के पादरी को, पूरी बाइबल उनके अंदर नहीं है, मैं चैलेंज करता हूँ ब्रदरान वतन के गुरु को, पूरी गीता उनके अंदर नहीं है, मैं चैलेंज करता हूँ सिखों के गुरु को, पूरी गुरु ग्रंथ उनके सीने में नहीं है, लेकिन खुदा की कसम ये एजाज़े कुरान है, ये 8 साल का बच्चा पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है, 10 साल का बच्चा पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है, 20 साल का नौजवान पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है, 35 साल का नौजवान रिक्शा पोलर है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है, 60 साल का ज़ईफुल उम्र शख्स पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। तो सुनो दुनिया वालों, जब दुनिया हाफिज़े कुरान का जवाब नहीं ला सकती तो साहिबे कुरान का जवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते कुरान, अजमते पैगंबर इस्लाम, वाह 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 वाह। जब नक्शे कदम की बराबरी नहीं में तो शाह बराबरी कैसी, सरकार बेमिसाल है, अपनी सिफात में उनका जवाब कोई नहीं गाय। क्या बात हजरत, वाह। और देखें आप, का जवाब मैं हकीकत में दे रहा हूं। जर्मनी में एक बहुत बड़ा एथिस्ट, एथिस्ट दहरिया, जो किसी मजहब को नहीं मानता, किसी किताब को नहीं मानता, इसको नहीं मालूम है खुदा कौन है, अल्लाह कौन है, किसे ईश्वर कहते हैं नहीं जानता, रद्द करता है, इसे कहते दहरिया। सुनो, Axelis interview with the former anti-Islamic politician Arthur Roger and accepted the Islam. अचानक ये आदमी कुरान का मुबल्लिग बन गया। आप लोग सब मिलकर बोलिए ना, मजा आएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये आदमी किसी को नहीं मानता था और ये ईमान ले आया और कुरान का मुबल्लिग बन गया। ए मैन एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी। जब ये ईमान ले आया तो सम पीपल उसके पास, कुछ लोग गए, बोले अरे तू तो कुरान का दुश्मन था, इस्लाम का दुश्मन था, तू ईमान क्यों लाया? तो उसने कहा, सुनो जलसे की जान ही है, इट अकर्ड टू माय माइंड, उसने कहा मेरे दिल में एक ख्याल आया कि यहूदी कहते हैं जीविश पीपुल से दैट आई एम राइट एंड वी आर नियरेस्ट आवर बुक बाइबल। यहूदियों का दावा है कि अपनी, हम अपनी किताब से बहुत मोहब्बत करते हैं और बाइबल से सबसे ज्यादा करीब है। अब आगे देखिए, ईसाइयों का दावा है वी आर क्रिश्चियन पीपल से, क्रिश्चियन ये है इंजीले मुकद्दस, क्रिश्चियन पीपल से दैट आई एम राइट एंड वी आर नियरेस्ट आवर बुक इंजीले मुकद्दस। मुसलमानों का दावा है मुस्लिम पीपल से दैट आई एम राइट एंड वी आर नियरेस्ट आवर बुक कुरान मुकद्दस। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईसाइयों का दावा है कि हम अपनी किताब इंजील से बहुत मोहब्बत करते हैं, उनसे ज्यादा करीब हैं, और यहूदियों का दावा कि हम बाइबल से मोहब्बत करता हूं, हम ज्यादा करीब हूं। मुसलमानों का दावा है, यानी हमारा, कि हम कुरान मुकद्दस से प्यार करते हैं और हम अपनी किताब से सबसे ज्यादा करीब हैं। तो मुझे तो नहीं मालूम ना, हु इज राइट हु इज रॉन्ग, हु इज राइट,
हु इज रॉन्ग, कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि तीन आसमानी मजाहिब तो यही गिने जाते हैं। तकाबुल अदयानी सबाबिया में आइएगा तो यही है। हमें नहीं मालूम कि कौन सही है कौन गलत है, ईसाई सही है कि यहूदी सही है कि मुसलमान। ये वो कह रहा है जर्मनी का दहरिया। तो उसने कहा मैंने आई शुड रिसर्च, मैंने सोचा कि मैं तहकीक करूं। अब वो तहकीक किस तरह करते हैं सुनिए। उसने कहा कि इसके लिए मैंने कुछ डॉलर का इंतजाम किया। डॉलर का इंतजाम करने के बाद मैं एक कातिब के पास गया, वो कातिब भी दहरिया ही था। मैंने कहा सुनो यार, तुमको एक डुप्लीकेट इंजील बनाना है। ये इंजील पहले से मिलावट है, मिलावट पे मिलावट बनाओ। कहा करना क्या है, कैसे बनाएंगे? कहा बनाना ये है कि तुम जो बातें मता में है उसको मुरकुस में कर दो, और जो मुरकुस में है उसको मता में करो, जो लोका में उसको यूहन्ना में कर दो, जो यूहन्ना में उसको लोका में, जो रसूलों के अमाल में है उसको रूमियों के नाम कर, और जो रूमियों में है उसे रसूलों के अमाल में कर दो, कुरिन्थियों में क्रिंथी कर दो, उसको गिलतियों में, इसको इफ्सियों में, इसको फिलिपियों में। उधर का उधर, इधर का उधर, दायां बायां करने के बाद एक महीने के बाद जब एक किताब मुकम्मल हुई तो वो किताब को लेकर के एक ईसाई पादरी के पास गया। कहा सर आई हैव रिटेन इंजील, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट, ये मैं आपको देना चाहता हूँ, ये मैं लिखा हूँ। ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ, और वो इंजील मुकद्दस को चूमता है। चूमने के बाद में वो घर चला जाता है। कहा सर इट इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है, इसे पढ़ के बताइएगा कि मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं, मेरी काविश अच्छी है कि नहीं। वो अपने घर चला गया, ये अपने घर। अब ये जो घर गया ना तो सोया नहीं, क्योंकि जर्मनी में 54% ईसाई है। 3-4-5 दोस्तों के साथ ये रात भर जगा रहा। क्यों? इसलिए जगा था कि अभी पादरी चर्च जाएगा, इंजील को खोलेगा। जैसे ही इंजील को खोलेगा तो वो देखेगा, अरे जो बातें मता में है उसको मुरकुस में कर दिया, और जो मुरकुस में उसको मता में, जो लोका में उसको यूहन्ना में, जो इधर का है उधर, उधर का इधर, तो मेरे पास जरूर आएगा, मेरे कॉलर को पकड़ेगा, मुझे पीटेगा, तो इसके लिए तैयारी कर लो। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, तो मैं समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, क्या गहरी बात, वाह वाह वाह। इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। अगर हिफाजत होती तो पादरी को खोलती ही फौरन गलती का पता चल जाता। हाय हाय हाय। तो उसने कहा कि इसकी हिफाजत नहीं है। उसके बाद उसने बाइबल ली। कहा तुमको मैंने इतने डॉलर दिए, करना क्या है? कहा डुप्लीकेट बाइबल बनाओ। कहा कैसे? कहा जो बातें अखबार में है उसको मुकाशफा में कर दो, जो मुकाशफा में है उसको अखबार में, जो गिनती में है उसको जो है दरियाए नील में करो, और जो दरियाए नील में है उसको कुहे तूर पे करो, जो जेनिसस में है उसको एक्सोडस में करो, और जो एक्सोडस में है उसको जेनिसस में कर दो, जो नंबर्स में है उसको उसमें कर दो। इधर का उधर कराने के बाद यहूदी के पादरी को कहते हैं रबाई, मध्य मुत्तसिल के साथ में कह रहा हूँ, उर्दू में मुत्तसिल नहीं है। अब आगे चले। कहा सर आई हैव रिटेन बाइबल, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट, ही वाज वेरी हैप्पी। सर ये मैं तोरा लिखा हूँ, आपको देने आया हूँ, पढ़ के बताइएगा मेरी काविश ठीक है कि नहीं, ये मेरा एड्रेस है। और वो जाकर तैयारी में है कि बेटा ऐसा ना हो कि रात में पिटाई कर दे। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, हाफिज कुरान की अहमियत को देखिए, दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि तोरा की भी हिफाजत बिल्कुल नहीं। अगर हिफाजत होती तो उसको खोलते ही फौरन गलती का पता चल जाता। उसके बाद उसने क्या किया मालूम है? कुर्बान जाओ मुसलमानों, इन छोटे छोटे बच्चों पर, इनके पढ़ाने वाले चच्चों पर किस तरह मेहनत करते हैं। उसके बाद में उसने कुरान मुकद्दस को लिया। हाय हाय हाय, क्या पते, क्या पते की बात है, वाह 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 वाह। सुन ले, सुडानी, जापानी, इजरायली, फ्रांसीसी, अगले पगले, छछूंदर, बंदर, सब सुनो, कुरान पाक की अहमियत देखो, तुम क्या जानो। لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيت خاشعا متصدعا من خشية الله, पहाड़ पे भी अल्लाह कुरान नाजिल करता ना तो पहाड़ भी खौफ इलाही से रेजा रेजा हो जाता। तुम क्या जानो कुरान पाक क्या है।
अभी ढील है, जो करना है करो। उसके बाद उसने कुरान पाक को लिया, कहा इसमें भी कुछ करोगे? तो कातिब ने कहा अबे हमको यहाँ रहना है कि नहीं। वाह 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 वाह। वो समझ ही नहीं पाया कि इनकार क्यों किया, नहीं समझ पाया। हालांकि मुसलमान 1% है जर्मनी में, समझ ही नहीं पाया। बर कहा देखो तुम पैसा लिए थे मुझसे इतने डॉलर, कहा देखो भाई मैं बहुत करूंगा तो मैं सिर्फ किताबत कर देता हूँ, प्लेन प्लेन प्लेन, बाकी जो कुछ करना है तुम करना, मैं अपने मत्थे कुछ नहीं लूंगा। उसने कहा ठीक है तुम सिर्फ आयतें लिख दो। मैं 10 साल लाइब्रेरियन रह चुका हूँ, मुझे जो करना है मैं कर लूंगा, मैं जानता हूँ। उसके बाद में अलियाज बिल्ला उसने एक कुरान पाक को खोला, जहाँ पे जबर था तो इसमें जेर कर दिया, उसमें पेश था तो इसमें जजम कर दिया। यहाँ वहां करने के बाद में एक हाफिज जी के पास गया। हाय 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 हाय, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाफिज जी आई हा, हाफिज जी आई हा रिटेन अ कुरान, आई हा कम टू गिव यू गिफ्ट। हाफिज जी ये मैं लिखा हूँ और मैं आपको देने आया, पढ़ के बताइएगा मेरी मेहनत ठीक है कि नहीं। इट इज माय एड्रेस, इट इज माय एड्रेस, इट इज माय एड्रेस। ओ सर सर इधर देखिए भाई, इट इज माय एड्रेस, ये मेरा पता है। अब वो बेटा जाके आराम से सो रहा था, बोला ये मेरा पता है। सोचा जब 54% वाले 14% वाले नहीं आए तो ये 1% वाले क्या आए, 1% वाले क्या आएंगे। मगर वो कहता है इवन 3 days had no passed, अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। हाय हाय वाह 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 वाह, जोर जोर से खटखटा रहा था। When I come to out, जब मैं बाहर आया, When I come to out, जब मैं बाहर आया, ऐसा मैंने देखा हाफिज जी वॉज इन सीरियस मूड। वाह 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 वाह, हाय 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 हाय, बोलो बोलो, वाह 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 वाह। धान और चावल देते हो ना निशानी पे बल लाकर, कभी सोचना नहीं, खुदा की कसम अगर ये नहीं पहुंचे तो तुम पैसे चावल दाल लेके मदरसा पहुंचो। ये कुरान की हिफाजत करने वाले लोग हैं। हाय हाय हाय, हाफिज जी बस इन सीरियस मूड। हाफिज जी ने कहा बे ये कहां से लिखवाया, ये कहा हुआ क्या, क्या हुआ क्या है, कातिब कातिब लिखा, यस, क्या कातिब सोके लिख रहा था, नहीं वो सोके लिखता है, कहा सोके नहीं लिखा तो ये क्या है, बोला क्या है, बोला अरे अंधे अबे यहाँ पे जबर है, अरे यहाँ तो जेर है, यहाँ पे पेश है, यहाँ तस्दीक है, यहाँ पेश है, यहाँ मतलब मुत्तसिल है, यहाँ मतलब मुत्तसिल है, यहाँ वक्फ जिब्रील है, यहाँ वक्फ मुनज्जल है, यहाँ पे मुआनका है, यहाँ पे मुकाबला है, यहाँ पे सलासा है, यहाँ पे निश्चय है, यहाँ पे उबू है। जितनी गलतियां हाफिज जी ने किताबत में की थी, सॉरी सॉरी, उस कातिब ने दहरिये ने की थी, हाफिज जी ने सबको काट काट कर, काट काट कर, काट काट कर अलग कर दिया। उसी वक्त वो दहरिया रोने लगा और सजदे में गिर गया, बोला दुनिया की सारी किताबें एक तरह, रसूलुल्लाह का कुरान। हा वाह वाह, नारे तकबीर, हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, वाह 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 वाह। सबके अंदर मिलावट हो सकती है मगर कुरान मुकद्दस के अंदर नहीं।